हिमाचल बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं। यदि सब कुछ सही होता तो भाजपा के कद्दावर नेता शांता कुमार ये नहीं कहते। शर्म आती हिमाचल के माथे पर कलंक का टीका है। आखिर किस बात को लेकर शांता कुमार जैसे नेता अपनी ही पार्टी भाजपा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? डिग्रियां बिकती रही लाखों के हिसाब से कई वर्ष तक। हिमाचल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता जिस डिग्री घोटाले की बात कहते हुए अपनी पार्टी यानी भाजपा सरकार को कोसते हुए उस घोटाले को हिमाचल के माथे का कलंक बतलाते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने की बात कह रहे हैं। दरअसल ये वो घोटाला है जिसे अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर नियम हर कायदा ताक पर रख दिया गया। ऐसा घोटाला जो भाजपा के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री के राज में हुआ, उसी घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं शांता कुमार। मुझे शर्म आती हिमाचल के माथे पर कलंक का टीका है। डिग्रियां बिकती रही लाखों के हिसाब से कई वर्ष तक। इस घोटाले की शुरुआत हुई 2009 में जब मानव भारती यूनिवर्सिटी को सोलन के बीच स्थापित किया गया। इन दस्तावेजों को जरा गौर से देखिए जिसमें लिखी हर बात सरकार और यूनिवर्सिटी की मिली भुगत की ओर इशारा करती है, जिसके तहत हजारों करोड़ रुपए डकारे गए। अंदाजा यह है कि यह घोटाला 2500 करोड़ तक का हो सकता है और इसी घोटाले से जुड़ा हर सच बाहर लाने के लिए बीजेपी के नेता शांता कुमार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भारत की फर्जी डिग्रियां कई प्रदेशों में बिकती रही और हिमाचल सरकार को पता नहीं लगा। मैंने तो कहा था कि उस समय की सीआईडी को पकड़ो, फर्जी डिग्री का पता नहीं लगा। यानी आप सोचिए ये क्या हो गया हिमाचल प्रदेश को। आखिर फर्जी डिग्री जब बिकती थी किसी परिवार में कुछ लोगों को पता लगता था, चर्चा होती होगी, ये नहीं हो सकता कि पुलिस को पता नहीं लगा। शांता कुमार का ये बयान भाजपा के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री की ओर इशारा करते हुए उन्हें इस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की। इसी घोटाले की आंच दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। अंदर की खबर ये है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए या फिर नहीं, इसी बात के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तलब किया गया है। जमीन के घोटाले से लेकर यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्रियां भी बेची गईं, वो भी सैकड़ों या हजारों नहीं लाखों की तादाद में, और देश ही नहीं बल्कि विदेश बैठे लोगों तक बेची गईं। हालांकि इस मामले की जांच एसआईटी की ओर से भी की गई जिसके तहत कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये महज खाना पूर्ति के लिए ताकि दिखाया जा सके कि सरकार जांच कर रही है। एक विचारक ने कहा था कि सोने से लदा हुआ गधा किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, ऐसा कुछ भी करवा लेता है। मैंने सरकार को कहा है और विशेष रूप से जयराम जी को कहा है, फर्जी डिग्री की जांच धीरे हो रही है, जल्दी होनी चाहिए। आज तक कुछ लोग जेलों में होने चाहिए थे, खुलेआम घूम रहे हैं कुछ लोग। मैंने संजय कुंडू जी को भी कहा था, मैं संतुष्ट नहीं हूं जांच से, मैं यहां भी कह रहा हूं, अबे जल्दी जांच करो, पकड़ो उनको। और ये देश का दुर्भाग्य है, भ्रष्टाचार होता है, जांच चलती है चलती रहती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिमाचल में भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गले की फांस ये फर्जी डिग्री घोटाला बन सकता है, क्योंकि इसकी जांच के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को विधायक की ओर से पत्र लिखते हुए सीबीआई जांच करवाने की बात कही गई है। और तय मानिए कि इस घोटाले का असर अब हिमाचल में होने वाले उपचुनाव पर पड़ना भी तय है और भाजपा सरकार पर भी। गगन नारंग, अर्थ प्रकाश। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।